अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। झोले लगे वाले कबूतर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक ठीक हो गए हैं। हैंड फीडिंग पे मेडिकेशन जारी है। जो लोग कहते हैं, ये इनमें कहता है कि सही नहीं होते, सही होते हैं, लेकिन टाइम टेकिंग पे ये नहीं होता कि फ़ौरन दिया और फ़ौरन ठीक हो गए। दो तीन दिन में टाइम टेकिंग के महीने से ऊपर मुझे हो गया इनकी केयर करते हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने रिज़ल्ट है। बिठे भी देख लें, बीठों के इनके कलर भी चेंज हो गए हैं और ये हाथ में बड़े ज़बरदस्त चला रहे हैं। ये देखें, बिल्कुल एक अभी है, ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, पिजन टू पिजन वेरी करता है। ये बच्चे दोनों हैं माशाल्लाह, ये भी आपके सामने बड़ी अच्छी कंडीशन है। ये देखें हैंड फीट पे अभी तक, और ये मेरे लॉफ्ट के दूसरे कबूतर माशाल्लाह सारे सेहतमंद हैं, किसी को कोई मसला नहीं है। ममटी के इस तरफ ये रखे हुए हैं और ममटी के उस तरफ वो रखे हुए हैं, और ऊपर भी कबूतर है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारे कबूतर सही हैं। तो ये चीज़ें सारी के सारी अगर आप सही निगहदाश्त करते हैं, इनको खाली दाने के टाइमिंग मैंने रखी हुई है दोपहर की, इनको मैं दोपहर को दाना पानी करता हूँ एक टाइम, और सुबह इनको मेडिकेशन का टाइम होता है जो सुबह की देता हूँ, शाम की मेडिकेशन अलग इनकी होती है, दाने के एक टाइम है। और इनके बाद कपड़े चेंज करके हाथ साफ करके दूसरे कबूतर में जाता हूँ। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगा, जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, जजाकअल्लाह।